पूर्व फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ एक कहानियां अनेक। जब मानेकशॉ ने इंदिरा गांधी को कहा था आपके हेयर स्टाइल का जवाब नहीं, इंदिरा गांधी का क्या था रिएक्शन? भारतीय सेना के इतिहास के पन्नों को पलटें तो एक ऐसे फील्ड मार्शल का नाम सुनहरे अक्षरों में अंकित मिलता है जिनकी बहादुरी की कई कहानियां आज भी सुनी पढ़ी जाती है। उस बहादुर आर्मी मैन पर फिल्म भी बन चुकी है। वो इतने बहादुर थे कि उनके नाम में ही बहादुर जुड़ गया और उसी नाम से वो फेमस भी हो गए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पूर्व फील्ड मार्शल सैम बहादुर यानी सैम मानेकशॉ की। इतिहास के पन्नों में इंदिरा गांधी और मानेकशॉ से जुड़ी कई कहानियां प्रचलित हैं। फेमस ये भी बात है कि मानेकशॉ एक पीएम को यानी तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी को स्वीटी भी कहकर बुला लिया करते थे। उनको अपने तर्कों के आगे कई बार झुका दिया करते थे। पाकिस्तान पर हमले के वक्त वो सैम मानेकशॉ ही थे जिन्होंने इंदिरा गांधी की बात काटने की हिम्मत दिखाई थी। इंदिरा गांधी और सैम मानेकशॉ से जुड़ा एक और भी वाकया फेमस है। जरा सोचिए, एक फील्ड मार्शल एक प्रधानमंत्री के हेयर स्टाइल पर कुछ बोल दे तो क्या होगा? लेकिन ऐसा हुआ था। सैम बहादुर ने इंदिरा गांधी के हेयर स्टाइल की तारीफ की थी। चलिए जानते हैं उस वक्त इंदिरा गांधी का क्या रिएक्शन था। इंदिरा गांधी के हेयर स्टाइल की तारीफ। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक बार जब इंदिरा गांधी अपनी पेरिस यात्रा से वापस लौट रही थी, प्रोटोकॉल के हिसाब से उस वक्त उन्हें रिसीव करने सैम बहादुर को भी जाना पड़ा था। हालांकि उनके साथ और लोग भी इंदिरा गांधी को रिसीव करने पहुंचे थे। जाहिर है, इंदिरा गांधी का जहाज पालम एयरपोर्ट पर लैंड किया था। जिनको रिसीव करने पहुंचे सैम बहादुर ने जैसे उन्हें देखा, उन्होंने झट से इंदिरा गांधी के हेयर स्टाइल की तारीफ कर दी। सैम बहादुर ने कहा था कि प्रधानमंत्री जी, शानदार हेयर स्टाइल है। इंदिरा गांधी का रिएक्शन। सैम बहादुर की तरफ से अपने हेयर स्टाइल की तारीफ शायद इंदिरा गांधी को अच्छी लगी। अपने बालों की स्टाइल की तारीफ सुनने के बाद इंदिरा गांधी ने कहा था कि किसी और ने मेरे हेयर स्टाइल को नोटिस नहीं किया। दोनों के बीच घटा यह वाक्य बेहद फेमस हुआ। इसकी चर्चाएं आम हो गई, वो भी क्यों ना, आयरन लेडी और देश की प्रधानमंत्री। ऊपर से सख्त शख्सियत वाली मानी जाने वाली इंदिरा गांधी के सामने इस तरह से बात करने की हिम्मत कौन कर सकता था? इंदिरा गांधी और सैम बहादुर। सैम बहादुर जितने अपनी बहादुरी के लिए फेमस थे, एक और बात के लिए वो फेमस थे। केवल सैम बहादुर ही एक ऐसे शख्स थे जो इंदिरा गांधी की बात काट देने की हिम्मत रखते थे। कहा जाता है इंदिरा गांधी भी उनके तर्क के आगे कई बार कुछ बोल नहीं पाती थी। सैम बहादुर और इंदिरा गांधी की पहली मुलाकात भी बेहद तल्ख रही थी। एक बार की बात है, जवाहरलाल नेहरू किसी बात को लेकर परेशान थे जिसके लिए एक मीटिंग रखी गई थी। ये एक सैन्य बैठक थी। उस बैठक में इंदिरा गांधी को सैम बहादुर ने शामिल होने से मना कर दिया था। जब इंदिरा गांधी वहां पहुंची तो सैम ने उन्हें बैठक में आने से रोक दिया था और कहा था कि आपने गोपनीयता की शपथ नहीं ली है। यही इंदिरा गांधी और सैम बहादुर की पहली मुलाकात थी। इंदिरा गांधी उस पहली तल्ख मुलाकात को शायद ही भुला पाई हो। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।